तो भाई आज है मंडे, मंडे के दिन संडे क्यू एन ए वीडियो, कल फंक्शन था घर पे इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो आज मैं शूट कर रहा हूँ। अगर आपको नेक्स्ट क्यू एन ए के कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसी वीडियो के नीचे आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट वीडियो संडे को ही आएगी, इस तरीके से मंडे नहीं आएगी। और एक एक बात गाइस, कल दो दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने चैनल के ऊपर कि कौन सा आईफोन आप करंटली लेने की सोच रहे इस ईयर, तो सबसे ज्यादा जो वोट है वो आईफोन 11 को है, लगभग 2000 के आसपास उस पर जो है वोटिंग है, तो 53% लोग आईफोन 11 को चूज करें। तो इससे रिलेटेड, आईफोन 11 से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए 2021 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और एक एक बात गाइस, इमटेक शॉर्ट्स चैनल जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं आईफोन के टिप्स और ट्रिक जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा 30 सेकेंड्स के अंदर। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के टॉप में जो है पिन कर दूंगा उस चैनल का लिंक, तो सब्सक्राइब करो। 2 दिन के अंदर 500 जो है सब्सक्राइबर का गोल करते हैं, तो जाके सब्सक्राइब करो। 30 सेकंड्स के अंदर आपको आईफोन के टिप्स के ट्रिक्स के जो है वीडियो मिल जाएगी। तो वे ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया अपन, चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आज का संडे क्यों ना वीडियो स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे एसएलपी सोनू का, भाई बोल रहे कि सच्ची में आईफोन 12 मिनी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्या मेरे को दिवाली पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए भाई, सबसे पहली बार डिसकंटिन्यू होगा तो डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि आईफोन 12 मिनी का जो सेल्स एक्सपेक्ट किया था एप्पल ने वो उतना अच्छी तरीके से नहीं हुआ, और इस साल हमको आईफोन 13 मिनी भी देखने के लिए मिलने वाला है, तो दो एक साथ नहीं रहेंगे। अगर दो एक साथ रहेंगे तो आईफोन 12 मिनी का काफी ज्यादा प्राइस ड्रॉप उसको करना होगा, और वही हमको देखने के लिए मिलने वाला आईफोन 12 मिनी का प्राइस ड्रॉप। अराउंड हमको आईफोन 13 लॉन्च होने के बाद में 55,000 तक मिल सकता है आईफोन 12 मिनी 64GB वेरिएंट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको छोटा स्क्रीन वाला आईफोन पसंद है और आपको बैटरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप गेम्स वगैरह नहीं खेलते, तो देन आईफोन 12 मिनी आपके लिए बेस्ट रहेगा, और 55,000 में मिलता है तो देन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ये फोन रहेगा, डेफिनेटली आप ले सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन एमडी समीर का, भाई बोल रहे कि आईफोन 13 का कैमरा कितने एमपी का होने वाला है। तो हमको जो है 12 MP का ही देखने के लिए मिलेगा, एंड्रॉइड मत समझिए गाइस, और एंड्रॉइड नहीं है आईफोन, iOS है, एप्पल है, तो यहाँ पे वो लोग जो है मेगापिक्सल पे अपने साथ गेम नहीं खेलते जिस तरीके से एंड्रॉइड में होता है 108 64 ऐसा नहीं होता। 12 MP भी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है एंड्रॉइड के ऊपर, तो 12 MP ही हमको इस साल जो है देखने के लिए मिलेगा आईफोन 13 सीरीज के अंदर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन अक्षित मिगलानी का, भाई बोल रहे हैं कि बजट 17K का है, मुझे विदाउट फेस आईडी लेना चाहिए। डेफिनेटली आप ले सकते हैं, काफी सारे लोग जो बिना फेस आईडी के भी जो यूज कर सकते हैं अपने फोन को, आप भी इजिली कर पाएंगे। आप बोल रहे हैं कि 17K आपका बजट है, तो उसका मतलब या तो आईफोन 10 होगा वो, या तो आईफोन 10R होगा। आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन सा आईफोन है। 17K आईफोन 10 के लिए भी विदाउट फेस आईडी के लिए वैल्यू फॉर मनी है, डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन शिवम का, भाई बोल रहे हैं कि ब्रो आईपैड प्रो M1 चिप या आईफोन 13 लेना चाहिए फॉर गेमिंग, और आई शुड टेक ए गेमिंग लैपटॉप, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। और अगर गेमिंग लैपटॉप तो कौन सा 20 रहेगा अंडर 60K। तो सबसे पहली बात, अगर आप यूट्यूबर नहीं हो तो आपके लिए दोस्तों आईपैड प्रो बेस्ट रहेगा, M1 चिप वाला, आराम से उसमें आप गेमिंग वगैरह कर पाएंगे। अगर आप यूट्यूबर हो, आप लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो देन आपके लिए लैपटॉप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप यूट्यूबर नहीं है तो आईपैड के लिए जी, अगर आप यूट्यूबर है देन आप गेमिंग लैपटॉप देख लीजिए। और 60K के अंदर मेरे को तो उतना ध्यान में नहीं है, अभी जाके मैं रिव्यूज वगैरह देखूंगा कोई अच्छा बेस्ट लैपटॉप रहा है 60K के अंदर, देन जो इसी कमेंट के नीचे आपको मैं आंसर दे दूंगा, उसका जो लिंक है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपको नोटी M24 का, भाई बोल रहे कि गेमिंग के लिए आईपैड मिनी 5 लेना चाहिए या आईफोन 10R लेना चाहिए, और दोनों के एसेसरीज बताओ चीप प्राइस में। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास एक ऑलरेडी फोन है और आपके नाम से मेरे को मालूम चल रहा है कि आप यूट्यूबर और गेमिंग जो है आपका चैनल है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि iPad mini 5 आप ले ले, और iPhone 10R में भी जो चिपसेट आती है A12 बायोनिक चिप, iPad mini में ही वही चिपसेट आती है। आप गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग भी कर पाएंगे iPad mini के अंदर। अगर आपके पास ऑलरेडी फोन है देन iPad mini के लिए जाइए, अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप iPhone 10R भी ले सकते हैं। एसेसरीज की बात करें तो दोनों के साथ जो है आपको अलग से टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर लेना पड़ेगा, और iPad mini भी लेते हैं आप तो आपको जो एक बैक कवर और एक टेम्पर्ड ग्लास लेना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा चीज़ हम ले सकते हैं iPad mini के साथ है, वो है कीबोर्ड।
अगर आप iPad ले रहे हो तो देन जो है मैं इसके जो एसेसरीज और iPad का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके हम वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नहीं अगर आप iPhone XR ले रहे तो उसके एसेसरीज की भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा iPad mini 5। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन सौरभ चौधरी का। भाई का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भाई बोल रहे हैं कि 29,000 rupees में iPhone SE क्या आपको जुलाई में देखने के लिए मिल सकता है, और iPhone SE 2020 ले या Samsung Galaxy F62 ले, अगर Samsung का फोन लेते तो इनके जो है 10,000 rupees बच जाएंगे। सबसे पहले सेल की बात करते हैं तो हमको 29,000 तक मिल सकता है इस महीने में, क्योंकि काफी सारे सेल्स आने वाले Amazon की भी और Flipkart की भी, थोड़ा उसके लिए वेट करना है, डेडिकेटेड इसके ऊपर वीडियो आने वाली। रही बात आपको सैमसंग लेना चाहिए या iPhone SE लेना चाहिए, 10,000 रुपये आपके बच रहे हैं। देखिए अगर आप अभी 10,000 रुपये बचा रहे हैं तो आप जो है थोड़े दिन के बाद जब सैमसंग का फोन खरीदेंगे 20,000 रुपये का जो आपने मेंशन किया है, एक 6 महीने के बाद जो है आपको पता चलेगा कि आपने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने भी इस तरीके का फोन खरीदा सैमसंग गैलेक्सी का, और एक अभी जो है कोने में पड़े हुआ है कहीं यहाँ पे, काफी बेकार एक्सपीरियंस था मेरा। इसके बाद जब मैंने iPhone XR लिया तो देन मेरे को जो है मालूम पड़ा कि iPhone क्या चीज है। आप एक बार उसको यूज करिए iPhone SE को, बेस्ट कैमरा, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट जो है फील आपको देगा, प्रीमियम फील आपको देगा, बेस्ट प्रोसेसर। अगले 5 साल तक आप iPhone SE को आराम से यूज कर पाएंगे कंपेयर टू Samsung। 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद या 1 साल के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने जो है Samsung कैको खरीदा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि iPhone SE 2020 ले, 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा डालेंगे लेकिन आराम से 5 साल तक उस फोन को आप यूज कर पाएंगे। और एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि जो अभी फ्लैश सेल के ऊपर बैन लगाया है अपनी गवर्नमेंट में, तो उसके ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, क्या चीज है ये, सेल्स आएंगे नहीं आएंगे, प्राइस ड्रॉप होगा नहीं होगा, तो उसके लिए वेट करना, जल्दी आपको जो है वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी जो सेल से रिलेटेड, तो वेट करना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन अक्ष का। भाई बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या अभी iPhone XR लेना चाहिए या फिर iPhone SE 3 का इंतजार करना चाहिए? तो अगर आप वेट करते तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 5G के साथ में हमको iPhone SE 3 देखने के लिए मिलने वाला है। 2020 मार्च में हमको iPhone SE 3 देखने के लिए मिल सकता है, तो आप वेट करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, iPhone SE 3 जो है iPhone SE 2 की तरह ही होने वाला है, छोटे स्क्रीन वाला, छोटी बैटरी लाइफ वाला। अगर आप हैवी ड्राइवर हो, गेमर हो और आपको बड़ा डिस्प्ले पसंद है तो आपको ये फोन पसंद नहीं आएगा। अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो iPhone XR ले ले, या तो iPhone 11 आप ले सकते हैं अक्टूबर के अंदर, क्योंकि आपको 40,000 तक मिल सकता है सेल्स के अंदर, बिग बिलियन डे सेल के अंदर, तो वो आप ले सकते हैं 1-2 महीने वेट करके। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन जतिन का। भाई बोल रहे हैं कि ब्रो iPhone 11 डिसकंटिन्यू हो सकता है या फिर रेट कम नहीं होगा इन सितंबर सेल, बिकॉज न्यूज मिल रही है कि ऑफलाइन मार्केट की वजह से ऑनलाइन पे खास सेल नहीं मिलेगी, रिप्लाई जरूर करना। तो सबसे पहली बात, iPhone 11 डिसकंटिन्यू नहीं होगा मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा है iPhone XR जरूर 100% जो है डिसकंटिन्यू होगा iPhone 13 लॉन्च होने के बाद में। रही बात सेल की, तो सेल से रिलेटेड डेफिनेटली एक वीडियो आने वाली है, इसको वेट करिए, सेल आएंगे नहीं आएंगे प्रॉपर रिसर्च करके जो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसका वेट करना। सितंबर में तो नहीं होगा प्राइस ऑफ iPhone 11 का, अक्टूबर में जरूर होगा बिग बिलियन डे सेल में, फ्लिपकार्ट की और Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में, तो इसके लिए वेट करें, डेफिनेटली एक जो है डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन आस्क हरीश का। भाई पूछ रहे कि iPhone 12 के साथ में फ्री एयरपॉड्स फ्लिपकार्ट और Amazon पे मिलेंगे या Apple की वेबसाइट पर? तो लास्ट ईयर जहाँ तक मेरे को याद है Apple की वेबसाइट पर भी आया था और Amazon पर भी आया था, मैं Amazon का कंफर्म नहीं हूँ, फ्लिपकार्ट पे तो नहीं आया था और इस साल भी हमको फ्लिपकार्ट में नहीं मिलेगा। Apple की वेबसाइट और Amazon पे हमको देखने के लिए मिल सकता है, मैं ये 100% श्योर नहीं हूँ कि हमको Amazon पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर शायद मेरे को जो है याद नहीं है आया था या नहीं आया था, लेकिन Apple के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था, तो इस साल भी हमको देखने के लिए मिल सकता है iPhone 12 के साथ में। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन अब्दुल मुस्तफा का। भाई थोड़ा सा नाराज है, भाई बोल रहे हैं कि सारे इंडियन खुश होते हैं जब न्यू iPhones मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में, लेकिन बड़े दुखी बात है कि फिर कोई प्राइस कम नहीं मिलता कभी कहीं भी, क्या फायदा ऐसी मैन्युफैक्चरिंग का? तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। तो देखिए भाई अभी जो पैंडेमिक चल रहा है जिसकी वजह से जो है प्राइस वगैरह ड्रॉप नहीं हो रहे हमको ऑनलाइन और ऑफलाइन में, और जैसे iPhone XR और iPhone 11 मैन्युफैक्चर हुए थे इंडिया के अंदर, उसके ऊपर प्राइस ड्रॉप भी हमको काफी अच्छा देखने के लिए मिला था। तो थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा वेट करिए, हमको जो है काफ़ी सारे जो नए iPhone से वो भी जो है जल्द ही इंडिया में जो है मैन्युफैक्चर होंगे, जैसे अभी iPhone 12 मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया के अंदर, तो थोड़ा वेट करिए। जैसे 13 जो है अभी आने वाला, तो इंशाल्लाह शायद हमको 14 तक जो है इंडिया के अंदर ही जो है मैन्युफैक्चर वो होंगे और बाकी जो कंट्रीज है वहाँ पर वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो वेट करिए थोड़ा सा,
जल्दी हमको जो है काफी अच्छे प्राइसेस वगैरह ड्रॉप और काफी अच्छे प्राइस के साथ आईफोन्स इंडिया में मिलने लगेंगे जैसे बाहर मिलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन गुरजत सिंह का भाई बोल रहे हैं कि अभी वो एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, क्या आईफोन लेना सही रहेगा और ये एक नॉर्मल यूजर है। तो देखिए भाई, आप एक नॉर्मल यूजर हो या हैवी ड्राइवर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईफोन और आईफोन होता है, एंड्रॉइड एंड्रॉइड होता है। एक बार आप आईफोन यूज करिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, देन आपको जो है पता चलेगा कि जो है आपने जो है कोई बड़ी गलती नहीं की है आईफोन लेके। तो देखिए एक बार ट्राई करिए, एंड्रॉइड आप भूल जाएंगे जैसे मैं अभी भूल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन आनंद का, भाई पूछ रहे हैं क्या इस बार आईफोन 13 में चार्जर प्रोवाइड होगा। भाई आप चार्जर प्रोवाइड होगी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे को डर लगे शायद जो है वो एप्पल सिर्फ आईफोन दे दे, डब्बा भी ना दे। देखिए भाई, अगर एप्पल को चार्जर प्रोवाइड करना होता तो आईफोन 12 सीरीज के साथ ही जो है प्रोवाइड कर देता, तो ऐसा तो अभी नहीं होने वाला। हमको आईफोन 13 की या 14 या 15 उसके साथ चार्जर नहीं मिलेगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, जिसका मैं क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया सॉरी, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन होते हैं और टाइम कम होता है, जिसका मैं आंसर नहीं दिया वो लोग को मुझे कमेंट के जरिए जो है रिप्लाई कर दूंगा कल तक। तो आप जो है वेट करना उसका। और एक एक बात गाइज, इमटेक शॉर्ट्स को जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली आपको जो है आईफोन की टिप्स से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और एक एक बात गाइज, परसों मैंने वीडियो बनाई थी कि आईफोन एक्स इन 2021, उसमें अगर आप उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके चेकआउट जरूर करो। और काफी सारे लोग के क्वेश्चंस वहां पे आए थे कि पबजी मैंने किस तरीके से डाउनलोड की है आईफोन के अंदर। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मैं 2 दिन के अंदर अपने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो डालूंगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, ट्विटर का भी लिंक है, चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है कैसे डाउनलोड करें पबजी वो नहीं डाल सकता, उसकी वीडियो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। तो इंस्टाग्राम पे मैं 2 दिन में वीडियो डाल दूंगा, जाके जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलता आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।